और सब बनी बंडल है इसका, तो आप लोग रिव्यू देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है बनी का बंडल। और बाकी इस बनी बंडल का सो फैटबल का कंफर्म मेरे नहीं अभी तक नहीं आया, जैसे आएगी तो मैं आप लोगों को कंफर्म डेट बता दूंगी। और फिर देखो इस बनी बंडल के रिगार्डिंग ही आप लोग का जो MP5 की सो बनी वाली स्किन है, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो गाजर के ऊपर में मतलब जो बनी है वो बैठा नहीं यहाँ पे लेटा है। सो ये सब बनी जो इनकी स्किन है ना यहाँ पे MP5 की, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ में आप लोग का यहाँ पे बनी वाला इमोट है ये भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, और इमोट के साथ में आप लोग को बनी रिंग बंडल में ग्लोअल की स्किन बनी वाली और लूटबॉक्स की स्किन और साथ में एक जो बनी बंडल है ये भी देखने को मिल रहा है। और इस रिंग बंडल के अंदर में आप लोग को सो ड्रैगन वाले टोकन इससे एक्सचेंज करने को मिल रहा है रिवॉर्ड। सो आप लोग को सो यहाँ पे ड्रैगन का जब इवेंट स्टार्ट होगा इंडिया सर्वर में, फिर से कि आप लोग को इसका रिंग फंड बनी की थीम में देखने को मिलेगा या फिर आप लोग को लकड़ी वाले के अंदर में ही देखने को मिल जाएंगे। सो बनी के आइटम से ड्रैगन का इवेंट स्टार्ट होगा फिर आप लोग को इंडिया सर्वर में देखने को मिल सकता है। और फिर देखो आप लोग को सब इफो गन से इवेंट है जिसके अंदर आप लोग जो इफो गन से आपके पास उसको आप लोग अपग्रेड कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, और ये जो इफो गन से इवेंट है ये आप लोग को देखने को मिलेगा 19 मार्च को आप लोग को इफो गन से इवेंट देखने को मिलेगा इंडिया सर्वर में। और इसके अंदर जो गन है आपके पास पहले से उसको ही आप लोग अपग्रेड कर पाओगे। और यहाँ पे कैसे करना है तो देखो आप लोग जैसे इवेंट को ओपन करोगे तो आपके साथ मतलब आप के पास जो है ना आपके पास जो भी इफो गन है आप लोग को वही सो होगी यहाँ पे, आलतू फालतू कोई गन सो नहीं होगा, जितना इफो गन है वही आप लोग को सो होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो जो मेरे पास है वही सो हो रहा है। सो यहाँ पे देखो आप लोग को यहाँ पे कितना ऑफ मिलेगा यहाँ पे डायमंड में वो ऊपर में आप लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप लोग को टोकन में ऑफ देखने को मिलेगा जिससे आप लोग जो गन है उसको आप लोग यहाँ पे सो अपडेट कर सकते हो। और जिसके पास इफो गन्स नहीं है तो उसका जो ये इफो मनंजा इवेंट है ये ओपन ही नहीं होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को इस कार का दिखाते हैं, यहाँ पे 1000 डायमंड यहाँ पे ऑफ है। सो यहाँ पे देख सकते हो जो टीश टोकन है ये मेरे को मिल रहा है 19 डायमंड में, मतलब टीश टोकन ऐसे 300 डायमंड में मिलता है। सो यहाँ पे टीश टोकन मिल रहा है बस 19 डायमंड में, और यहाँ पे मेरे को 210 डायमंड का यहाँ पे सेव हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। फिर यहाँ पे 60 टोकन मिल रहा है 300 डायमंड में, और यहाँ पे 300 डायमंड यहाँ पे बचा है मेरा सेफ हो रहा है। सो ऐसे 60 टोकन का 600 होगा ना, और फिर 120 टोकन मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 720 डायमंड में, यहाँ पे 400 डायमंड बच रहा है, और लास्ट में 270 टोकन मिल रहा है, इसमें मेरा 1900 डायमंड लग रहा है और साथ में 800 डायमंड बच रहा है। बाकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप लोग इस इफो गन से इवेंट के अंदर से जो इफो गन आप मतलब आपके पास है इफो गन है उसके आप लोग टोकन यहाँ पे ऑफ में खरीद सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कितने टोकन कितने में मिल रहा है, और मेरे को इस कार को अपग्रेड करने के लिए 600 टोकन चाहिए, और बाकी यहाँ पे ऐसे टोकन है वो 480 मिल रहा है, और मेरे को यहाँ पे डायमंड बचेगा 800, 400, 1200, 1500, 1600, 1700 दस डायमंड भी मेरा बचेगा। बाकी यहाँ पे अपडेट आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ऐसे ही 600 टोकन का आप लोग लोगे तो यहाँ पे आप लोग को डायमंड लगेगा 5300। और इफो बनन से इवेंट के अंदर से आप लोग इस कार की सो इफो टोकन से इसको लोगे तो सबसे पहले 270 टोकन लेते 1890 डायमंड, यहाँ पे 1900 डायमंड लग चुका है, और फिर 1900 डायमंड के बाद में 720 डायमंड सॉरी 1900 और 700 यहाँ पे 2600 और 329 और साथ में यहाँ पे 3000 डायमंड तो यहीं पे लग गया, और मेरे को मिला बस यहाँ पे 480 टोकन्स मिला है। और चलो इस कार का देखते हैं फिर कितना टोकन लगता है। सो यहाँ पे और चाहिए 110 टोकन जिसका आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो 950 डायमंड। सो यहाँ पे 4000 डायमंड तो ऐसे ही लग गया, और बाद में मतलब इससे पहले ही यहाँ पे जो डायमंड है 5300 ही लग रहा था। सो यहाँ पे 1300 डायमंड का ही यहाँ पे फायदा हुआ। बाकी देखो इस जो इफो मनंजा इवेंट है इसके अंदर आप लोग को एक गन में जो टोकन आप लोग लेते हो उसी हिसाब से आप लोग को 1000 डायमंड का ही यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा, और बाकी कुछ नहीं। बाकी अगर आप लोग को इफो मनंजा इवेंट में यहाँ पे
लेना है आप लोग टोकन तो ले सकते हो। वैसे आप लोग को इवो वर्ल्ड से रैंक के अंदर में ज्यादा ऑफ तो देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी कैसे काम करेगा और आप लोग टोकन को कैसे ले सकते हो तो मैंने आप लोग को बता दिया। और ये सो इवो वर्ल्ड से रैंक आप लोग को 19 मार्च को इंडिया सर्वे के अंदर में देखने को मिल जाएगी। और फिर देखो आप लोग को यहाँ पे सो 24 मार्च है, इस दिन आप लोग को एक नया लेक्चरवेल देखने को मिलेगा जिसके अंदर में आप लोग का होली वाले सो यहाँ पे बुरा ना मानो वाला ये सो इमोट ही आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा डायमंड से निकालने को, जो 1500 डायमंड में आप लोग का निकल सकेगा लेक्चरवेल के अंदर से। और जो 3 इमोट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा आएगा, सो कंफर्म होने तो फिर दिखा दूँगी, बाकी नॉर्मल इवर्ट्स ही आएंगे आप लोग को साइड में जो देखने को मिलेगा और 3। और फिर किसी को प्लेक्टिस रिकॉर्डिंग सो यहाँ पे लीक फिकट आई है आप लोग को, यहाँ पे सो मई बंद है इसके आप लोग को लास्ट वीक क्या फिर मतलब आप लोग को मई में आप लोग को सब लेक टीशर्ट कटिंग डिफेंड है आप लोग को इंडिया सर्वे के अंदर देखने को मिल सकता है। और मई में नहीं आया तो आप लोग को दिवाली का टाइम भी देखने को मिलेगा या फिर 7th एनिवर्सरी टाइम पे सो आप लोग को ब्लैक जो और वाइट टी शर्ट है ये आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकती है। और फिर देखो आप लोग को अप्रैल में रामधन इवेंट स्पेशल एक नया इलेक्ट्रोल देखने को मिलेगा जहाँ पे आप लोग को अगले साल के सो यहाँ पे गिरने वाले सो यहाँ पे एमरजेंसी 7 की सीन है आप लोग को देखने को मिलेगी। और साथ में सो न्यू ब्लू कलर में आने वाले ये भी आप लोग को एमरजेंसी 7 की सीन है, दोनों ही इनके सीन आप लोग को सो यहाँ पे इलेक्ट्रोल इसके अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगी रामधन इवेंट स्पेशली। और फिर आप लोग को रामधन इवेंट स्पेशली एक नया प्रोफाइल एनिमेशन इमोट तो नहीं बट सो अगले से प्रोफाइल एनिमेशन इमोट आया था वो आप लोग को फेटफुल के अंदर में या फिर आप लोग को इलेक्ट्रोल के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। सो एनिमेशन है प्रोफाइल एनिमेशन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और इसके साथ जो आप लोगों को जो एक एक के स्किन है ये भी आप लोग को देखने को मिल रही है, साथ में आप लोगों को ग्रेंट के स्किन और जो यहाँ पे मैंने ये भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये फेस्टिवल आप लोगों को रामधन इवेंट स्टार्ट होगा तो आप लोग को देखने को मिल सकता है, और प्रोफाइल एनिमेशन इमोट भी आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं। और फिर और एक अपडेट है आप लोग को, 1 अप्रैल को सो यहाँ पे एक नया रिंग गिफ्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोग को अप्रैल फुल स्पेशली इस साल फर्स्ट टाइम आप लोग को जो पंडल है वो देखने को मिलेगा अप्रैल फुल के थीम में, सो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। सो अप्रैल फुल में हम लोग बेवकूफ़ बनाते हैं सबको, सो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो पंडल भी उसी टाइप का, पहले तो ये राजा बन जाता है और फिर जोकर टाइप बन जाता है, जैसे कि आप लोग रिव्यू देख सकते हो। इसका जो डायरी है और ऊपर का जो हेयर है जो टी शर्ट है ये सब कुछ चेंज होगा, जो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो मछली पहन लेता है, और इसका जो यहाँ पे पैंट है वो भी चेंज होगा, और पूरे का पूरा जो बंडल है उसका मतलब यहाँ पे जो इसका चप्पल शूज है यहाँ पे पैंट है ऊपर का है फिर हेयर है सारा कुछ चेंज हो रहा है देख रहे हो। ऊपर का सो यहाँ पे पैंट वैंट सब ब्लैक हो जा रहा है, चप्पल भी चेंज हो जा रहा है, और फिर ऊपर में सो यहाँ पे जोकर वाला पहन ले रहा है। सो ये सब पूरा का पूरा बंडल है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही मस्त होने वाला है। सो ये सब बंडल आप लोग को रिंग इवेंट के अंदर में देखने को मिलेगा 1 अप्रैल को, और इस बंडल के साथ में आप लोग को अप्रैल फुल स्पेशली जो गुलवाल की स्किन है ये भी आप लोग को देखने को मिलेगी। सो लेजेंडरी होने वाले और गुलवाल की स्किन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गुलवाल की जो स्किन है ये भी कलर चेंज कर रही है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, और आप लोग को इस रिंग इवेंट के अंदर में ये वाली गाड़ी की स्किन में देखने को मिल रही है। सो ये सो रिंग इवेंट है आप लोग को 1 अप्रैल को 100% कंफर्म है आप लोग को इंडिया सर्वे के अंदर में देखने को मिल जाएगा। और OB44 अपडेट के बाद में आप लोग को सो न्यू इफो बंडल देखने को मिलेगा, वो आप लोग को ये छपरी वाला देखने को मिल सकता है जिसमें ये सब बंडल आप लोग देख सकते हो पूरा ही आग निकल रहा है, और इसका जो हेयर स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोलूँ, और इसका जो सीन से ऊपर का है सब कुछ देख ही सकते हो इस बंडल को। तो ये जो इफो बंडल है ना ये आप लोग को नेक्स्ट वाले अपडेट में देखने को मिल सकता है। और 22 मार्च को जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इनवर्स सर्वर डाउनलोड हो जाएगा, सो मैं आप लोग को सिर्फ 100% का वो दिखा दूँगी पूरा ही बंडल का फुल रिव्यू कौन सा आने वाला है, फिर तो मजे मजे आने वाले हैं क्योंकि बंडल के साथ में गेम के अंदर कौन कौन से न्यू चेंजेस होने वाला है वो फिर इनवर्स सर्वर के अंदर मैं आप लोग को रिव्यू करके दिखाने वाले हूँ। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है 22 मार्च के बाद में। सो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाला कि ऑन कर लो, और अगर फिर पसंद आई है तो लाइक कर देना। तो चलो गाइस शट अप, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।